हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट, ये एक इन्वायरमेंट हमने लिया है आर्ट स्टेशन से, किसी आर्टिस्ट ने बनाया है। ठीक है, हमारे स्टूडेंट ने थोड़ा सा डिस्कस किया कि हमें कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है। मैंने ही प्लान किया, चलो सब लोग इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो लाइक ये एक पूरा पार्ट है। अभी क्या था, ऐसी चीज़ को देख के लोग काफ़ी घबरा जाते हैं कि बनाएं कैसे, फिर कैसे क्या करना। पोर्टफोलियो के लिए ऐसे कुछ बना रहे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो पहले प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर देख रहे हैं कई रॉक है, बहुत बड़े 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 ब्लॉक हैं, तो लोग क्या करते हैं सीधे ब्लॉकिंग पे काम करना स्टार्ट करता है। मैंने एक रॉक बनाया, ये ऐसा ऐसा लिया, मैंने प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, काम करने के दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, उन दोनों अलग अलग तरीकों को सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक होता है पहले हम लोग मॉडल का ब्लॉक कर देते हैं, तो वो भी ठीक होता है। ठीक है, एक होता है कि नहीं मुझे पता है कि हम चीज़ों को अलग कर लेते हैं। अलग करने का मतलब, जैसे देखो यहाँ पर ये हम लोगों ने अलग कर लिया है, एसेट ब्रेकडाउन बना लिया। तो पहले से सोच लो, हाउस है तो हाउस का एक अलग निकाल लिया, मेनू बोर्ड है तो उसका हम लोग अलग अलग निकाल लिया, बोर्ड है तो उसका अलग निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर रॉक है तो हम लोग इसे निकाल दिया। ठीक है, रॉक अलग। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा समझो क्या, जो मैंने इमेज आपको दिखाया इसमें देखो, इसमें कितने सारे रॉक देखे यहाँ पर, ये छोटे बड़े रॉक गिन के कितने रॉक हैं यहाँ पर, अगर देखा है तो चार रॉक हैं यहाँ पर। इन चार रॉक से पूरा का पूरा सीन सेटल कर दिया है। अभी बनाने वाले क्या बनाने वाले सोचना, जिसको बेसिक्स नहीं पता है। जैसे मान लो कि जो मॉडलिंग में गए और जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है तो क्या करते हैं वो लोग, वो यहीं पे सब लगते हैं, भाई ये सब रॉक बनाना है, तो इतने सारे रॉक को बना रहे होते हैं, एक दो होते हो तो अभी गिनो तो 1 2 3 4 कितने सारे हैं, तो इन सब चीज़ों में वो फंस जाते हैं। इतना बनाएंगे, स्कल्पटिंग करेंगे, टाइम भी लगेगा, जीवस भी हैवी हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैनेज करेंगे। अभी इन्हीं चीज़ों को अगर हम लोग देखें, इन्हीं में से चार रॉक को बना के ऐसे प्लेसमेंट करके दे दें तो हमारा काम तैसे हो जाएगा। तो गिन के चार रॉक बनाने, बाकी प्लेसमेंट का काम है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमें बनाना है कितना, तो आप उसको मैच करके निकाल लोगे। जैसे देखो पेड़ कितने नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, पेड़ भी बहुत सारे नज़र आ रहे हैं इसमें, ये सब क्या स्टाइलिश हैं। ठीक है, तो स्टाइलिश में ये सब चीज़ों को दिखा रखा है। देखो इतने सारे पेड़ है तो भाई सोचेंगे भाई पेड़ कितने सारे बनाने पड़ेंगे, वो भी देखते हैं यहाँ पर। रॉक देख लिया यहाँ पर, चार रॉक हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या 8 लीव्स हैं यहाँ पर, नंबर है ना 5, ये दिख रहे हैं। फिर 9 नंबर पे 3 ट्री है, और 3 ट्री बनाना है आपको। ठीक है, 3 ट्री में भी अगर आप ध्यान से देखो तो ट्री का जो बेस है वो एक ही है, ऊपर का पार्ट है वो भी एक ही है, बस उसे कलर चेंज किया हुआ है ताकि वो ऐसा लगे। ठीक है, 10 नंबर में फ्लावर्स हैं यहाँ पे, साइन बोर्ड है। ठीक है, ये पूरे का पूरा पार्ट है यहाँ पे। तो अगर मैं इसे देखूँ तो इसमें चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग फिर प्लानिंग करेंगे और चीज़ों को मैनेज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इमेज है, फिर हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे अभी इसमें मैंने दिखाया है, अब इसमें क्या, जैसे जो ट्री का पार्ट है ये एक बेस हमें बनाना है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक बनाना है, इसके बाद ऊपर का जो पार्ट है वो एक ही बनाना है, बस उसमें कलर चेंज करना है। स्टाइलिश के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि सब कुछ हैंड पेंटेड होता है। जैसे देखो यहाँ पर डिटेलिंग है, स्टाइलिश में जो वुड की जो डिटेलिंग हो वो माइक्रो डिटेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप जाओगे ना, जैसे आप रियल वुड में जाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कैसा है, इसमें गिन चुन के लाइनें हैं, तो हम लोग लाइनों को थोड़ा सा मैनेज करके काम कर सकते हैं, भाई यहाँ पे चीज़ों को दिया जा सकता है। तो ये स्टाइलिश बोर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे, भाई कैसे क्या हम क्या काम कर सकते हैं और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। देखो छोटे छोटे पार्ट हमने बनाया, ये साइन बोर्ड बना दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी देख लेते, जो एसेट ब्रेकडाउन है यहाँ पर, इसको इसके अंदर भी आप तोड़ के देखोगे अगर यहाँ पे, जैसे ये देख रहा है, इसको एक बनाओगे तो इसमें भी कई चीज़ निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मुझे चीज़ जैसे यहाँ पे देख रहा है 1 2 3 4 चार हैं, तो चार में से अगर देखोगे तो एक बना के कॉपी कर दिया, बाकी उसको थोड़ा सा मैनेज कर दिया तो अलग अलग हो जाएगा। तो तरीके आपको पते होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे दिखाया है यहाँ पर इमेज है ना, इसका जो पार्ट है ये, तो ये एक ही बना के हम लोग मैनेज करके दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी अगर देखा है तो पहले सीन कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अभी चीज़ें कैसे इजी हो गई यहाँ पे। तो अभी हम लोग को ये प्लानिंग कर लेना है कि भाई हमें अगर कोई चीज़ बनाना है तो कैसे बनाने वाले हैं, चीज़ों का कैसे मैनेज करने वाले हैं, और इसके मॉडलिंग, अनैपिंग, टेक्सचरिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे क्या काम करेंगे, चीज़ों का कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। जो बनाने में अगर देखें तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल से मुश्किल मैं कहूँ तो 2-3 घंटे अप्रॉक्सीमेट, हो सकता है 4 घंटे भी लगे। ठीक है, ये बनाने में मेरे ख्याल से 1 घंटा बहुत है, 1 घंटा आधे घंटे में बन जाएगा, है ना। देन ये भी ले सकता है अप्रॉक्सीमेट 1 से 2 घंटे के आसपास ये ले। ठीक है, ये आधे घंटे के अंदर काम हो जाएगा। अगर मैं ऐसे मैं काउंट करूँ कि ठीक है आधे घंटे के अंदर
आधे आधे घंटे लगा लो, या बहुत ज़्यादा डिटेल में भी जाओ तो एक ही घंटे भी मान के चलता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। इनको भी देखिए तो इसमें क्या मॉडल में टाइम नहीं लगना है, इसमें टेक्सचर में टाइम लगना है। आप इसे मॉडल में मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट लगे एक इसको बनाने में, लेकिन सर टेक्सचर में आप जाके काम करने वाले हो, इसका टेक्सचर आपको बनाना पड़ेगा, टेक्सचर पेंट करना पड़ेगा, तो उसमें एक आपको टाइम लगने वाला है। इसका बेस में टाइम लगेगा, ठीक है, मान के चलो इसको 2 घंटे के आसपास दिया जा सकता है, ठीक है। ये अगर मैं कहूँ टेक्सचर के लिए मुझे चाहिए, तो टेक्सचर के लिए मैं अगर इसमें मैं काम करता हूँ, तो टेक्सचर के लिए अगर सिर्फ मॉडल का, तो मॉडल में 1 घंटे के अंदर बन जाएगा, लेकिन अगर टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर में थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है। साइन बोर्ड ये अच्छा है, इसको अगर देखा तो ये भी अगर बनाया जाए तो 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है, साइन बोर्ड से स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो पहला काम मेरे पास यहाँ पे ऐसा है कि भाई फोल्डर मेंटेन कर रखा है हम लोगों ने, यहाँ पर साइन बोर्ड है मेरे पास, यहाँ पे साइन बोर्ड के अंदर प्रोपोर्शन हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जनरल से, ठीक है। ये मैं एक दूसरा इन्वायरमेंट बनाया था, इसके लिए मैंने साइज़ बहुत चेंज कर रखा है यहाँ पे, जैसे मैंने ग्रिड में देखो साइज़ मैंने ले रखा, तो साइज़ में कैसा है ये मैंने रीसेट कर दिया, अप्लाई, देखा इतना बड़ा ये एक पार्ट मुझे दिख रहा है। ओके, तो जैसे मैं अलग अलग इन्वायरमेंट बनाता तो वो पहले वाला इन्वायरमेंट में साइज़ बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने उसका साइज़ चेंज कर रखा था, तो ग्रिड का साइज़ मैंने सेट कर लिया। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता, जैसे एक बेसिक सा पार्ट है, तो बेसिक से पार्ट में यहाँ पे पहले बेसिक प्रोपोर्शन समझता हूँ। बेसिक प्रोपोर्शन में क्या है, सिर्फ राइट क्लिक मैंने यहाँ पे क्या लिया, पॉलीक्यूब ले लिया, ठीक है। पॉलीक्यूब लेके जो भी आप काम करो मेक श्योर आपका काम ग्रिड के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या काम किया, वर्टेक्स लिया, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे से ऐसा कुछ पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्केल है, मतलब ऐसा कुछ है आर्फो स्केल, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा कर दिया, इसका भी सीधा गया हुआ है, और अगर ये सीधा गया तो यहाँ तक सीधा गया, बाकी ऊपर भी थोड़ा सा अलग है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन तो इसे अच्छी होनी चाहिए। डिसलेक्ट कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, स्विफ्ट में यहाँ पे अभी कितने ग्रेड तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, जैसे आप जब बनाओगे तो आप बिना रेफरेंस के बनाओगे तो आप फंसोगे, ठीक है। जैसे मैं अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सेट किया सपोज़ यहाँ तक लेके गया, ठीक है, और देन मैंने स्विफ्ट मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, देन यहाँ पे मैंने फिलहाल में आर्फो स्केल ये स्केल मैंने कर दिया यहाँ पर। तो बेसिक चीज़ मैंने ऐसे सेट कर लिया, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन बाई चांस अगर आप लोग काम करो आपको लगे कि भाई मैं इस इमेज को बहुत ही प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूँ, तो व्हाट आई वांट मैंने इस इमेज को कॉल भी कर लेना है, एड्रेस को कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे, इमेज प्लेन पे गए, इंपोर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल वी देन एंटर आपके पास यहाँ पे दिस वन ओपन भी कर लिया। तो मैं एक प्रोपोर्शन के साथ मैं मैनेज कर लूँगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे नजर आने वाली हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो मेरे पास एक बेसिक प्रोपोर्शन यहाँ पे सेट करूँ, देखो ये इमेज बहुत वो नहीं है, ठीक है। आप इसको अगर देखोगे तो वैसे इमेज प्लेन मैंने सेट कर रखा भाई यहाँ पे, सेट तो किया, सेट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे देखो हल्का सा रोटेशन मिलेगा क्या, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव है ध्यान रखना क्या। तो अगर आप सोचोगे ना एग्जैक्ट मैच होगा तो नहीं होगा, मेक श्योर। तो अगर मैंने कहा भाई मेरे पास अगर ऐसे कहूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो दिख जाएगा, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। तो मैंने बेसिक प्रोपोर्शन सेट कर लिया, बेसिक प्रोपोर्शन शायद ऐसा हो जाए सपोज करते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट पैरामीटर हाइट विड्थ डेप्थ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मेरे पास एक सिंपल सा पार्ट मैंने सेट कर लिया, यहाँ पे मेरे पास चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे जाके पर्सपेक्टिव में जाके एक न्यू पर्सपेक्टिव ले सकता हूँ। न्यू पर्सपेक्टिव लेने का मोटिव क्या है, देखो एक पर्सपेक्टिव में ये आ गया, इसको मैंने कर लिया लॉक, ठीक है। यहाँ पे गए पैनल एंड लेआउट टू साइड बाई साइड पे गए, देन यहाँ पे मैं गया, इसमें मैंने लिया जो न्यू पर्सपेक्टिव था ना, यहाँ पे पर्सपेक्टिव वन यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा पार्ट पॉलीक्यूब लिया, यहाँ पे पॉलीक्यूब लेने के बाद मैंने कहा भाई चला जाऊँ यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया ये पार्ट में यहाँ से फ्रंट, ठीक है। देखना इधर है काम इधर करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने कर दिया, जैसे मेरे पास बेसिक पैरामीटर है तो पॉलीक्यूब में विड्थ है, विड्थ दिख रहा है यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ पे मैं अगर काम करता हूँ मेरे पास एक अप्रॉक्सीमेट डेटा मिलने वाला है, मेक श्योर एक अप्रॉक्सीमेट डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हाइट है, यहाँ एक आपने फोर प्रेस कर दिया, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे, तो मैं अगर इसको मैं लेके चलता हूँ, मेरे पास अप्रॉक्सीमेट अभी प्रोस्पेक्टिव में हाइट मैंने यहाँ पे दिया तो होता है, ठीक है। अभी यहाँ से देखो तो इतना पार्ट में बस यहाँ पे काम कर जाएगा। अभी अगर आपको अगर नहीं मैच करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक ले गया तो यहाँ पे आपका काम कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है, काम कर जाएगा। हमने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया, बस यहाँ पे सिर्फ इतना है कितना दिख रहा है। दूसरा इमेज को भी देखो आप यहाँ पे, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव में मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, इसकी डेप्थ थोड़ी कम है, है ना। अगर देखो यहाँ पे डेप्थ कितना है, डेप्थ यहाँ पे कम कर लिया मैंने, डब्ल्यू प्रेस कर लिया यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट में बस ऊपर वाला कॉर्नर नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर लिया यहाँ पे, गॉट इट।
अभी ये चीज़ अगर मैं देखूँ, मुझे अगर काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक पार्ट ये लिया पहला, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये शेप नज़र आ रहा है, अभी अब शेप आपको बनाना है तो ये आप इसी में से बना सकते हो। कैसे बनाओगे? कंट्रोल डी कर लिया, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और फॉर स्केल कर लिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। आप थोड़ा सा काम करने का टिप्स समझोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे पैनल पे गए, ये पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव लॉक था मेरे यहाँ पे, देख रहे हैं पर्सपेक्टिव लॉक था, वो हिल गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँगा, मुझे आइडिया दो। तो पैनल पे गए, ये पर्सपेक्टिव वन है, दिस वन एंड ये पर्सपेक्टिव, तो मैं थोड़ा सा फिर से मैं मैच कर लूँगा यहाँ पे। यहाँ देखना अप्रॉक्सीमेटली आने वाला है, एग्जैक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, भाई मेरे पास एक सिंपल सा पार्ट, ये लॉक होता है, लॉक का बटन दिख रहा है भाई, अब आप हिला के देखो नहीं हिलेगा, मेक श्योर, ठीक है। मैं प्रोपोर्शन पे जा रहा हूँ, प्रोपोर्शन मुझे यहाँ पे क्या सेट करना है, प्रोपोर्शन के साथ अगर मैं काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं इमेज को देखूँ तो इमेज के साथ ये देखो, ये थोड़ा सा इधर कम है इधर ज़्यादा है, ठीक है। तो डोंट वरी, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर लेना पे, तो वैसा आपको देखो, आप दो तीन जगह से आप देखोगे आपको आइडिया मिलेगा। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये पार्ट मैंने कम कर लिया यहाँ पे, आइडिया लिया मैंने यहाँ पे, देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे ऐसा कुछ किया मैंने, हल्का सा रोटेटेड भी है, कर लेंगे, लेकिन क्या जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया सेफ टाइटिक इंसर्ट एज लुक टूल, तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये देखो एक एजेस यहाँ पे दिया, दूसरा एजेस मैंने यहाँ पे दिया, आर फॉर स्केल ये मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे का पार्ट पतला है तो मैंने यहाँ पर वर्टेक्स को पकड़ा ये, और एक एक्सिस पे स्केल करना है, यूनिवर्सल स्केल मत करना है, देखो यहाँ पर डिफरेंस बता देता हूँ, यूनिवर्सल स्केल ऐसा होता है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक एक्सिस पे स्केल करना है। तो आप अगर ऐसे मैनेज करोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर दो कुछ छोटे छोटे शेप नज़र आ रहे हैं, जैसे होता है ना कील टाइप से, तो हम लोग उस चीज़ को भी मैनेज कर लेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सेफ राइट क्लिक, और यहाँ पर मैंने क्या करता है स्पेयर लिया, स्पेयर से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। स्पेयर लेके मैं मैनेज कर देता हूँ, डब्लू प्रेस कर दिया, मैंने कहा ओके डू वन थिंग, इसमें आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रोटेशन दे देता हूँ, यहाँ पे रोटेशन पे गए। अभी देखो ये स्पेयर लूँगा तो मेरे पास एक अलग चीज़ आएंगी, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ट्राइंगल होगा, ठीक है। अगर मुझे लगता है इसके जगह मैं कुछ और लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे क्या करते हैं शिफ्ट राइट क्लिक एंड पॉलीक्यूब। अब कहेंगे स्पेयर है तो हम लोग पॉलीक्यूब क्यों लें, क्योंकि मुझे जीबस में लेके जाना है पहला काम, वहाँ पे रीटोपोलॉजी करना पड़ेगा, मैं यहाँ से कई चीज़ करके जाऊँगा। तो मैंने शिफ्ट एंड राइट क्लिक एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, हो गया, दो डिवीजन बढ़ा दो। स्कल्पिंग का जब भी आपको तो ट्रायंगल अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर आपको ट्रायंगल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपने ये काम कर लिया, आपने मैनेज कर दिया, मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन आर फॉर स्केल प्रोपोर्शन मिला लेते हैं यहाँ पे। टिप्स सीखने की आपको मॉडलिंग कैसे करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे देखना है पे, ओके। यहाँ से मैंने देखो, मैं देख उधर रहा हूँ, काम इधर कर रहा हूँ, मेक श्योर आपके माइंड में रहना चाहिए हम लोग काम कैसे करें यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। और अगर मैं देखूँ मेरे पास जो चीज़ें नज़र आ रही, ये थोड़ा सा उसमें, तो यहाँ पे दिख रहा है ये काइंड ऑफ, देखो ये लाइन दिख रही है, ये लाइन मेरे पास ऐसे जा रहा है, ये लाइन मेरे पास ऐसे कट के आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो लिटिल बिट, अभी यहाँ तक तो मैंने देख लिया, देखो यहाँ पे मेरे पास चीज़ कैसी है, ऑलमोस्ट सेम है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन दे देना है, तो थोड़ा सा बेटर देखिएगा आपका यहाँ पर। एग्जैक्ट मैच करने मत पहुँच जाने कि भाई वो चीज़ है, ये मेरे पास बेसिक मॉडल बन गया है। बेसिक मॉडल बनने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने बेसिक मॉडल आपने बनाया, ठीक है, सब कुछ ध्यान देना है। देखो यहाँ पे कहाँ कैसा टच होना चाहिए, जैसे देखना यहाँ पे, अभी ये देखो यहाँ पे टच होना चाहिए, अगर टच है यहाँ पे तो अभी दिमाग लगाओ, यहाँ पे लेफ्ट में गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये अगर टच होगा तो सीधे टच होगा क्या ऐसे, ठीक है। फिर अगर देखें तो ये पार्ट भी निकला, ये पार्ट भी निकला है, तो पॉसिबल ये थोड़ा सा रोटेटेड होना चाहिए, फोर प्रेस करो यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करो, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल है, ऐसा होना चाहिए, ऐसे मैनेज कर सकते हैं लोग यहाँ पे। तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा देख सकते हैं मैं बस यहाँ पे, कि भाई मुझे अगर काम करना है तो मैं ऐसे बैलेंस कर सकता हूँ फोर फाइव। अभी जब मैं एक मॉडल बनाता हूँ, इस मॉडल को बनाने का तो मेरे पास माइंड में क्या आना चाहिए कि भाई ये मैंने मॉडल बनाया है, ये मुझे लेके जाना है जीबस में, जीबस में लेके जाओगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ प्लानिंग करते हैं। फिर एक सबसे बढ़िया पार्ट क्या है कि अगर मुझे इसी मॉडल को स्कल्प भी करना है तो मेरा मॉडल चेंज होने वाला है कि नहीं होने वाला। पहले देखो यहाँ पे, इसको पहले समझो, ये बस जो इमेज है यहाँ पे कट ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूँ तो इसको दो पार्ट में कर लूँ तो भी मेरे लिए दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये चीज़ मुझे जीबस में करने में टाइम लगेगा, तो पहला काम क्या है, आप इस चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। उसके बाद अगर आप इसमें स्कल्पिंग करने जा रहे हो, स्कल्पिंग करने में क्या होता है, आपका शेप चेंज होगा। अगर आपका शेप चेंज होने वाला है, बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है,
तो हम लोग इसे अनरैप यहाँ पे नहीं करेंगे, कम चेंज होने वाला है तो यहाँ पे अनरैप करके चलेंगे। तो दोनों फंडे आपको पहले समझना पड़ता है, ये एडवांस मॉडलिंग में आ जाता है। आप बेसिक में जाओगे तो आपको यहाँ पे अपने सेट कर लिए, यहीं पर अनरैप करके लेके जा रहे हो, काम खत्म। जैसे इसमें देखो, इसको मैं अगर यहाँ पर अनरैप करूँगा तो मुझे वहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर मैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इसको अगर मैं अनरैप करके वहाँ पे लेके जाऊँगा तो वहाँ पे क्या होगा कि मुझे इसका रीटोपोलॉजी करना पड़ेगा। रीटोपोलॉजी करने के बाद क्या होगा, इसका यूवी फिर से निकालना पड़ेगा। तो दोनों में दो चीज़ें एक साथ दे रखी हैं, इसलिए समझना है कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। बेसिक एक प्रोसेस मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो अभी यहाँ पे मैंने सेट किया, ठीक है, देखो यहाँ पे हम चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, शायद हमारा हिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, ये काइंड ऑफ ऐसे पर्सपेक्टिव है, तो ठीक है मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस वाले मॉडल को डुप्लीकेट कर लेते, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, नीचे वाला वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दिया, चाहो तो फ्रंट में आकर सेलेक्ट कर सकते हो, आपने सेलेक्ट कर दिया। देन इमेज को यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करके देखना है आपके, ठीक है। ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया, इस पर गए राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, इसको आपने यहाँ पे दिया, गॉट इट। अभी अगर देखा जाए तो सीधे सीधे ही है, ये पार्ट दिख रहे हैं अभी। ये यहाँ से मुझे पीछे वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ध्यान से देखो, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना। ये कब पॉसिबल है कि जब मुझे वो चीज़ों को मैं देखूँ यहाँ पे, ये पीछे की तरफ थोड़ा सा टर्न हो। जैसे मैं सिंपल सा पार्ट प्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे मैं दूसरे प्रोस्पेक्टिव पे गया, ठीक है। यहाँ देखो, तो अगर मैं इसको अगर मैं मैनेज करूँ, भाई मुझे ये पार्ट दिखनी चाहिए, तो मैंने अभी रोटेट किया था ना यहाँ पे, तो देखो ऑटोमेटिक को दिख गया। अगर मैं थोड़ा सा सेंस लगा दे भाई तो ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट, अगर मैं रोटेट नहीं करता तो नहीं देखता, नहीं तो हमें रोटेट करना पड़ता, दिख रहा है ये पार्ट दिखना स्टार्ट हो गया। मैं स्कल्पिंग करूँ, स्कल्पिंग में मेरे पास ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। डन, ये छोटा सा मॉडल रेडी। अभी इसको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, मुझे क्या करना है, ये मेरा जाएगा माया टू जीबस, ठीक। तो माया टू जीबस जाने में यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, तो पहले आपने एक कर दिया, फाइल को सेव कर दो, आप यहाँ पे फाइल पे गए सेव एज, ठीक है। एनवायरमेंट का फोल्डर यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे फोल्डर मेंटेन करेंगे, ठीक है। एंड देन मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, साइन बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक फोल्डर बनाया, नंबर कितना है मैनेज कर लो यहाँ पे, नंबर 11, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर 11 SIGNBORD, है ना, साइन बोर्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आपने सेव कर देना, आपका कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से कंट्रोल वी, देन एंटर, सॉरी कंट्रोल वी, देन एंटर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कर दिया, नंबर वैसे रखना ताकि आपको याद है, ठीक है। मिक्स नेमिंग बहुत प्रॉपर कर लेना, नेमिंग के बिना आपका कुछ काम नहीं चलने वाला। अभी देखो यहाँ पे मैं जब जीबस में जाने वाला हूँ, तो जीबस में जाने के लिए मैंने प्रोसेस क्या फॉलो करना है, इस मॉडल को मुझे करना है अनरैप, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहुँचते हैं, यहाँ पे मेरे पास मिलता है यूवी एडिटिंग, ठीक है। यूवी एडिटिंग पे गए, ये मेरे प्रोस्पेक्टिव लॉक है, मैंने कहा भाई अभी इसका काम खत्म हो गया, तो अभी मैं मैनेज कर सकता हूँ, या फिर मैंने यहाँ पे दूसरे प्रोस्पेक्टिव पे जाके मैंने काम कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, फटाफट से अनरैप कर लेते हैं। अनरैपिंग का बहुत बेसिक सा प्रोसेस है, इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जाओ यूवीज में जाके ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक करते हैं आपका सब पार्ट अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये देखना है, जब आप अनरैपिंग करते हो, अनरैपिंग में क्या देखना पड़ता है, देखो मैं मैनुअल स्कल्प करने वाला हूँ। अगर मैं प्रोजेक्टेड करता तो सब कुछ चिपका के रखता है, यहाँ पे मैं मैनुअल स्कल्प करने वाला हूँ, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या है, ये देखो ये चिपकाऊंगा ना तो खराब हो जाएगा, मूव इन सी क्या, देखें एक दूसरे ओवरलैप हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, अगर मुझे तो और सारी मेरी प्लानिंग है इसके अंदर, तो ऑल टच, यहाँ देखो जो भी सेफ चेंजेस हो जा रहे हैं, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेफ्ट एंड कट, कट करके हम लोग कट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एजिस पे गए, यहाँ ध्यान देना मेरे पास कभी भी ना आगे वाला जो लाइन होता है उसमें सीम नहीं देते, हमेशा पीछे वाली लाइन में सीम देते हैं। सीम का मतलब दिखे जहाँ पे कट, जैसे आप शर्ट पहनते हो ना, शर्ट के अंदर एक जगह जहाँ पे जाकर शर्ट जोड़ता है, स्ट्रेचेज होता है, उसे सीम बोलते हैं। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सीम पीछे रखा, कंट्रोल शिफ्ट एंड एस ध्यान रखना है, पीछे होना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया, तो यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ सीम रखना है, 1 2 3 मूव एंड सीओ, मेक श्योर। अभी से यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ, तो मूव एंड सीओ में कैसे टेढ़ा हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, ठीक है। हम लोग इसे स्ट्रेट कर सकते हैं यहाँ पे गए, मेक श्योर 1 2 एंड 3 मूव एंड सीओ,
आ रहा है? अभी कहेंगे हमें टिल्टेड नहीं चाहिए, डबल क्लिक कर दिया मैंने पे, डबल प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो मेरे पास यूवी के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं यूवी टूल किट में, ठीक है। कट एंड सीव का ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कट कर सकता हूँ, सीव कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अनफोल्ड का ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे देखो स्ट्रेट यूवीज देख रहे हैं यहाँ पे, एक ये देख रहे हैं स्ट्रेट यूवी सेल। तो यहाँ पे अगर देखो मेरे पास यहाँ पे कैसे दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को मैं मैनुअल भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सबको सेलेक्ट कर दिया और स्ट्रेट यूवीज देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अगर इसे मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास मैनेज ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रेट होना चाहिए तो बेटर रहेगा। यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिया, इसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे पास कैसा होता है, अलग अलग ऑप्शन है, उनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पिनिंग है, यहाँ पे लाइक सॉफ्ट सिलेक्शन भी है, ट्रांसफॉर्म भी है, एंड टूल्स क्रिएट ऑटोमेटिक, जो मैंने ऑटोमेटिक किया आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। देन इसके बाद अगर आप देखो अलाइन, अलाइन में आते हो तो यहाँ पर मुझे दोनों को अलाइन करना है, जैसे फोर्सअप में अलाइन होता है वैसे यहाँ पर भी अलाइन होता है, ठीक है। आप इसे मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। आप शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड करो, मैंने अनफोल्ड किया, अनफोल्ड दिस वन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे देखो अगर मैं स्टेट यूज करता हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, इसका स्टेट यूज करना नंबर देगा 30 तक, 30 यहाँ पे, देन देखा। आप ऐसे भी काम कर सकते हो, कितना बढ़िया सा हो गया यहाँ पे, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। आपको लगे कि भाई मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, मैंने ये अलाइन कर दिया, यहाँ पे ये अलाइन कर दिया, ठीक है, तो आप अलाइन भी कर सकते हो आप यहाँ पे। देन एट देन मैं आकर देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मैंने सेट कर दिया, तो ये मैं यहाँ पे जहाँ पे देखता हूँ, मुझे यहाँ पे जहाँ पे लगे देखें यहाँ पे मूव एंड सेव, मूव एंड सेव यूवीज में गए, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जैसे अरेंज करना, लेआउट करना, तो लेआउट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेआउट, ये लेआउट में आ गया यहाँ पे। बाई चांस मेरे पास देखो इतने स्पेस ये ज़्यादा लेके जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं जोड़ के रखूँ, यहाँ पे कट कर दिया मैंने यहाँ पे, मुझे स्पेस यूटिलाइज करना है। अगर मैं गेमिंग में जा रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस यूटिलाइज हो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मैंने कट कर दिया, मैंने यूवीज टू सेल, देन अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, देन एट देन यहाँ पे क्या करता हूँ, लेआउट, लेआउट यूवीज, स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये पार्ट में बस यहाँ पे हुआ, वापस इसको पकड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ मेरे पास ऑप्शन मिलता है, तो देन यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक मैंने कर दिया, ऑटोमेटिक में मेरे पास चीज आ जाएंगे यहाँ पे। मेक श्योर एजिस यहाँ पे सेलेक्ट करो, पीछे का एक सीम रखना है, एक एजिस को डी सेलेक्ट कर दो, मूव एंड सेव जोड़ गया आपके यहाँ पे, यहाँ पे आपको जोड़ देना है, मूव एंड सेव, काम खत्म, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे गए, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे, एजिस को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एजिस, ठीक है। आपको सीम कहाँ रखना है, पीछे, मूव एंड सेव, ठीक है, एजिस, मूव एंड सेव, एंड देन मूव एंड सेव, काम खत्म, ये दो हो गया। इस पे गए, ठीक है, यहाँ पे भी क्या करना है हम लोगों को, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में जाओगे। अभी देखो यहाँ पे चीज़ क्या है, आप एक साथ रखना चाहो एक साथ रख लो, अलग अलग रखना चाहो तो अलग अलग रख लो। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने आपको एक साथ रखने वाला बताया, मूव एंड सेव, मूव एंड सेव। अभी देखो एक टेक्निक ऐसे भी है, दूसरी टेक्निक आपको एक और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अंडू कर दिया, ये दोनों पार्ट यहाँ पे एजिस पे गए, यहाँ पे रिंग कर दिया, कंट्रोल प्रेस करो, रिंग, रिंग करने के बाद आपको एक चीज़ छोड़ देना है, यहाँ पे एक एजिस छोड़ देना है, मूव एंड सेव, काम खत्म, देखो यहाँ पे। तो आप ऐसे करके भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे, लगे बहुत लंबा हो रहा है तो आप इसका आधा आधा भी कर सकते हो। आधा आधा मतलब जैसे यहाँ पे देखो एक सीम मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा भाई काम कर, ऐसे एक में हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो आधे अगर देखो यहाँ यहाँ पे ये इधर का हम लोग एक साथ रख सकते हैं, कट करके बगल में स्पेस को यूटिलाइज भी किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने सेट कट कर दिया, सेफ्ट एंड कट, इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई मैं ऐसे काम को ऐसे भी काम कर सकता हूँ, गॉट इट। अभी यहाँ पे मैंने कर दिया, मेरे पास क्या हो गया, कंट्रोल सेफ्ट एंड एच, यहाँ पे गए वन एंड टू, ये दोनों पार्ट नज़र आ रहे हैं, तो मैं एक को अनरैप करने वाला हूँ, दूसरे को मैं अनरैप नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब एक का डुप्लीकेट लगा दूंगा, गॉट इट ना, तो वो काम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो इसका यूवीज निकला हुआ है, यूवीज में गए, यहाँ पे मैंने कर दिया ऑटोमेटिक, काम खत्म। इसमें एक और सिंपल सा ऑप्शन देता हूँ आपको, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो मैं यहाँ पे प्लानर कर सकता हूँ, ठीक है, प्लानर देख रहे हैं यहाँ पे, प्लानर, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, देन अप्लाई, आधा आ गया यहाँ पे, कौन सा एक्सिस आया, देखो यहाँ पे एक्स पे गए, नहीं आ रहा, जेड पे कर दें, जेड पे आ गया, ठीक है, जेड पे ही आ गया। अभी आपका पूरा ये हाफ यहाँ पे आ गया, ऑल्ट एंड एच दिखना इतना ही है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो एजिस पे गए, डबल क्लिक कर दिया, एंड शिफ्ट एंड कट, यूवीज पे गए, लेआउट, रेड का मतलब गलत है, ब्लू का मतलब ठीक है, ठीक है, मतलब ये उल्टा है, गलत मतलब उल्टा है, फिर से सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे फ्लिप कर दिया, ठीक है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, देखना भाई बॉर्डर है,
ये बेसिक सा शेप है आपका, यहाँ पे कई चीज़ आपको देखेंगे, ग्रेडिट सब कुछ आपको यहाँ पे देखेगा। तो बेसिक ऑप्शंस मैंने बाकी चीज़ में मैंने क्लियर कर रखा, तो उसमें आपको देखना है, ठीक है। तो चैनल पे आके देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी ये मेरा अनरैप हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। अभी यहाँ पर मैं इसके लिए नहीं करने वाला हूँ, इसको मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है, या डब्लू कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पर, मैं इसके जगह पर जाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, शिफ्ट यहाँ पर ऑप्शंस में आपको दोस्तों यहाँ पे बताया था, जैसे मेरे पास ऑप्शंस होते हैं ना यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे ऑप्शन मिलता है अलाइन का, अलाइन अलाइन ऑब्जेक्ट, तो एग्जैक्ट इस जगह पे पहुँच जाएगा। लास्ट सेलेक्टेड पे कर दिया एक्स वाई जी एन अप्लाई, एग्जैक्ट इस जगह पे पहुँच गया। अभी आपको ढूंढना है कि भाई कौन सा वाला डिलीट करना है, ये तो ठीक है एच फॉर हाइट, इसको आपको डिलीट कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट है ना एच, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी मॉडल लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास ये मॉडल को सबको एक सेट में रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर आप गेमिंग में या प्रोडक्शन में जा रहे हो, प्रोडक्शन में अलग अलग यूवी चलता है, लेकिन गेमिंग के अंदर एक लेआउट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट लेआउट लेआउट यूवीज, तो अगर आप देखो तो सब कुछ मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना, मैंने यहाँ पर भी क्या किया, जैसे सबको एक लेआउट में कर दिया ना, ठीक है। अभी एक लेआउट पर करने के बाद जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर चीज़ दिखे, यहाँ पर मैंने अलग अलग सब कुछ मैनेज कर दिया। कभी कभी ये बहुत अच्छा नहीं आ रहा होता है तो आपको मैनुअल भी करना पड़ेगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई मैंने किया, फटाफट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्पेसिंग करके देखो, यहाँ पे इसके लिए एक आपको गेम खेलना पड़ेगा, टेट्रिस करके एक गेम आता है, आपको जैसे एक वुडन प्लैंक आके एक एक करके आपको अरेंज करना पड़ता है, वैसे आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है। कि मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, जैसे देखो इसने मेरा स्पेस घेर रखा है यहाँ पे, तो शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने, यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कर दिया। गेमिंग के अंदर आपको स्पेस का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, मेक श्योर अगर आपने ध्यान नहीं रखा ये छोटे छोटे स्पेस वहाँ पर यूटिलाइज होते हैं, आपका यूवी ठीक नहीं होगा तो आपको जॉब भी नहीं मिलने वाली है, तो उतना वो ध्यान देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, अभी मुझे जल्दी से काम करना है तो मैं इसमें मेरा काम हो सकता है, यहाँ पे देखूँगा अगर मैं इसके अंदर तो मुझे एक मॉडल की जगह और भी मिल जाएगी इसके अंदर, देख रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो मेरे पास एक मॉडल मैं यहाँ पे और भी प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे। जस्ट सपोज यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, एक तो मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो अनफोल्ड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अनफोल्ड है, यूवीज लगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्टेट सेल ये सीधा हो गया यहाँ पे, आपको लगे कहीं कोई चीज़ टेढ़ा हो तो आप इसे मैनेज करके यहाँ पे दे सकते हो आप, यहाँ पे तो आप प्लेसमेंट मैनेज भी कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे देख रहे हैं डबल स्पेस है, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो लाइक लिटिल बिट मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दो स्पेयर देख रहे हैं यहाँ पे स्पेसिंग, अब जब स्पेसिंग की बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग रहना चाहिए, यहाँ पे छोटा सा एक मॉडल मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्पेस हम लोग बना के चलेंगे तो वेल एंड गुड है। जैसे आप यहाँ देखो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैंने जो काम किया यहाँ पे हल्का सा मैंने स्केल लिटिल बिट स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, और अगर मैं इसको भी मैं नीचे लेके आ जाऊँ तो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिसमें लोग देखते हैं चेकर्स, चेकर्स को भी थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं सेट कर दिया। अभी हमने किया ये सही है, लेकिन हम लोग चेकर्स को यूटिलाइज करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा यहाँ पर। तो गाइज मैंने एक चेकर्स ले लिया, चेकर्स में आपको जाना, चेकर्स का यूज़ किया मैंने, यूवी निकाला सही है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, असाइन और लैम्बर्ट, लैम्बर्ट मैंने कर दिया यहाँ पे, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चेकर चेकर ले लिया मैंने यहाँ पे, कलर पे गए, ठीक है। मैं इसके अंदर बाई डिफॉल्ट चेकर होता है, ठीक है, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इसमें कई दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो मेरे यूवीज़ के कुछ वीडियोज मैं चाहता हूँ उसे एक बार चेक करना, ठीक है, उसमें मैंने डिफाइन कर रखा है, बिकॉज इसके अंदर जब फ्रंट साइड बैक मुझे पता नहीं चल रहा होता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया। अभी देखो इसका यूटिलाइज़ क्या है, जैसे अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, चलो एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाई देता है, यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया मैंने डुप्लीकेट यहाँ पे, ठीक है, दोनों को समझना, ये मैक्सिमाइज कर दिया कंट्रोल एंड स्पेस बार, एक को मैंने यहाँ पर लिया राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पर मैंने दिया चेकर, ठीक है, 4, 5 एंड 6, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर लिया दिस वन, इसको उठा कर राइट क्लिक एंड असाइन, एक चेकर्स ले लेते हैं यहाँ पर, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ देखो चेकर देखें यहाँ पे। अभी देखो इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ, इसके अंदर मुझे ये पता नहीं चला कौन सा सीधा कौन सा उल्टा है, सीधा उल्टा नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, हमें जो भी कोई काम करना है एक नंबर के साथ लेके चलना पड़ता है। जैसे यूवी एडिटिंग में हम लोग हैं ना, ये देखो यूवी एडिटर यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ वैसे यहाँ पे यूवीज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, देखें यहाँ पे जो सीधा है तो सीधा ही होना चाहिए यहाँ पे, ये की लाइन में जा रहा है, ये देखो ये एक की लाइन में, आप देखो ये इधर से नंबर 1 एंड 2 दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या होती है, जैसे सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ये इसी डायरेक्शन में है, दूसरा वाला भी इसी डायरेक्शन में है क्या,
हम उसे मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई एक डायरेक्शन में। और इसके अंदर एक चीज़ और भी होता है, जैसे सपोज फिर से सेलेक्ट कर दे और डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड फ्लिप कर दिया तो उल्टा नंबर, जैसे इसको देखो शिफ्ट एंड फ्लिप कर दिया तो उल्टा नंबर आता है यहाँ पे, ये पता नहीं चलेगा इसके अंदर। अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करके उल्टा कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो फ्लिप, तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप ये नहीं देखोगे, समझे ना। तो आपको यहाँ पे चेकर्स में पता नहीं चलने वाला है, ओके, ठीक है। अब यहाँ से पता चलेगा ये उल्टा सीधा नहीं, यहाँ पता चल जाएगा, सिलेक्ट किया पता चल गया यहाँ पे, तो यहाँ से मैं, ठीक है, ये इस चेकर्स का बेनिफिट है, ठीक। ये जो छोटा सा पार्ट है, अभी ये छोटे से पार्ट में यहाँ पे जब मैं स्कल्पिंग करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है, यहाँ पे सपोज सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे, ये मैंने मैनेज किया, ये मैंने मैनेज किया, देखो थोड़ा सा बैलेंस करके चलूँगा ना तो बेटर देखिएगा यहाँ पे। तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे स्पेसिंग, यूटिलाइज, स्केलिंग, ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ अगर मुझे यहाँ पे मैनेज करना हो तो, या अगर मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, वैसे तो मैं दोनों को ओवरलैपिंग से भी काम कर लूँगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं जितना आप स्पेस को यूटिलाइज करोगे उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो ये टेक्निकली अगर आप किसी भी स्टूडियो में जाओगे स्पेसिंग बहुत मैटर करता है आपके यहाँ पे, ओके। तो ये गाइस ये आपका काम हो गया कि आपका फर्स्ट पार्ट में आपने कैसे मैनेज कर लिया, चेकर्स हमने कैसे कर लिया, अभी ये मेरा मॉडल रेडी हो गया है जीबीएस में लेके जाने के लिए। ये मेक श्योर आपको ध्यान रखना है, जो भी आप काम करोगे आपका मॉडल कभी भी जीबीएस में लेके जाओगे तो सेंटर पे करके लेके जाना तो ज़्यादा बेटर होगा, जैसे देखो सेंटर पे है तो हम लोग इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ ओके। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जी करना है, ग्रुप कर दो, ग्रुप करने के बाद आप देखो यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, इधर जा रहे हैं। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मॉडिफाई टू सेंटर पिवट, ठीक है, इसके साथ आपने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस वन, ठीक है। अभी यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई एंड यहाँ पे सिंपल सा पार्ट अलाइन पे जाके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, है ना। एक दूसरा काम एक और भी होता है, जैसे अगर मैंने आप सेट कर दिया, ठीक है, चैनल बॉक्स पे गए, चैनल बॉक्स में अगर मैं एक्स एंड वाई देख रहे हैं पे, जैसे देखो यहाँ पे देख रहे हैं पे, अभी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ये एक्स पे गए, जीरो करके देखे तो आया क्या, तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन नए नए में मिलता है, अगर आपने हिस्ट्री डिलीट कर दी, फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर दिया तो नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी इसको कर दिया डिलीट, ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पे, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो अपना काम यहाँ पर हो जाएगा। तब ये मॉडल रेडी हो गया वापस आप कहाँ पर जाने के लिए, जी बस में जाने के लिए, ठीक है। तो हमने चेकर्स डाल दिया है, फाइल को सेव एज कर देते हैं, मेरा मॉडल अनरैप भी हो गया है। साइन बोर्ड यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है अनरैप, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे स्कल्प्टिंग में, उसके बाद जाएंगे हम लोग टेक्स्टिंग में, फिर जाकर हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे।